तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और भक्ति में सब भक्त भी नजर आ रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रजवासियों के साथ। सीएम योगी ने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, भगवान श्री कृष्ण का सीएम ने दर्शन पूजन किया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधा भी लगाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर ब्रजवासियों के साथ सीएम योगी ने जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया, भगवान श्री कृष्ण का सीएम ने दर्शन पूजन भी किया। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पौधा भी लगाया गया। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और ब्रजवासियों के साथ सीएम योगी ने भी जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया, भगवान श्री कृष्ण का सीएम ने दर्शन पूजन किया और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने पौधा भी लगाया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ब्रजवासियों के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पूजन भी किया। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली मथुरा और ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा की भी ये तस्वीरें हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही और सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा नजर आया। तो दिल्ली मथुरा और नोएडा में मंदिरों की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। वहीं खासकर मथुरा में आज के दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये तीन तस्वीरें दिल्ली मथुरा और नोएडा से। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश भर में देखी जा रही है। तो आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है और इसी कड़ी में हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी ब्रजवासियों के साथ आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया और सुबह से ही भक्तों का भारी तांता मंदिरों में लगा नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली मथुरा नोएडा और गाजियाबाद से जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर दिल्ली में श्री कृष्ण की आरती की गई, मथुरा में भी भारी भीड़ भक्तों की देखी गई और वहीं नोएडा में भी इस्कॉन मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और गाजियाबाद में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आज धूम देखी जा रही है और श्रद्धालु तरह तरह के सामग्री श्री कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और इसी के चलते आज तरह तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महापर्व पर श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं मथुरा में दर्शन के बाद सीएम योगी ने भक्तों और श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। सुनिए। द्वापर युग में पूर्ण करके हम सबके सामने श्रीमद् भगवत गीता के अपने उन शाश्वत मंत्रों के माध्यम से एक नई संजीवनी दी है। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी श्रद्धालुजन यहां पर दर्शनार्थ आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को श्री 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 कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं सुख और समृद्धि। उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर, हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के
और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सभी मिलकर के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना जो सब कुछ अच्छा हो सकता है और सर्वश्रेष्ठ योगदान करने के लिए तैयार हो सके। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हृदय से बधाई।